अब नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटिंग बूलियन फंक्शन यूजिंग मार्क्स। हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हम डिकोडर्स के थ्रू कोई बूलियन फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग मार्क्स वी विल परफॉर्म आवर बूलियन फंक्शंस। हाउ वी विल इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ द मार्क्स। अ बूलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द मार्क्स हैविंग एन माइनस वन सिलेक्शन इनपुट लाइन्स। अगर हमारे पास बूलियन फंक्शन में एन वेरिएबल्स हैं तो हमारी सिलेक्शन इनपुट लाइन्स कैसे डिसाइड हो जाएंगी, एन माइनस वन करके डिसाइड हो जाएंगी। द मोर एफिशियंट टू यूज अ मार्क्स विद एन माइनस वन सिलेक्शन लाइन्स एंड टू रिस्ट पावर एन माइनस वन इनपुट लाइन्स। बूलियन फंक्शन इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रुथ टेबल। हम सबसे पहले बूलियन फंक्शन को एक ट्रुथ टेबल के तौर पर समझ लेंगे। ट्रुथ टेबल अगर हमें गिवन हो तो वो सबसे ईजिएस्ट वे होता है बूलियन फंक्शन को परफॉर्म करने का और उसको मार्क्स के थ्रू परफॉर्म करने का। हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी पढ़ेंगे। द फर्स्ट एन माइनस वन वेरिएबल्स मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर अप्लाइड एट सिलेक्शन इनपुट्स। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जितनी गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो एन, उनमें से माइनस वन करके हम डिसाइड कर लेते हैं वो हमारी सिलेक्शन इनपुट लाइन्स होती हैं, और वो एन माइनस वन वेरिएबल्स को जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे हो हम उन्हें प्रेफर करते हैं कि वो हमारी सिलेक्शन लाइंस बने। जैसा कि ये बात हमें मालूम है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स वो होती हैं जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की, किसी भी डेटा की, एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट में मिनिमम होती है। सो हेंस वी विल चूज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स एज दी सिलेक्शन इनपुट्स। द रिमेनिंग वेरिएबल इज अप्लाइड एज दी इनपुट। जो सिलेक्शन इनपुट्स के अलावा के वेरिएबल बच जाएंगे वो हमारे बूलियन फंक्शन के, वो हमारे इनपुट कहलाएंगे। फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन लाइंस आउटपुट इज इवैल्यूएटेड एज अ फंक्शन ऑफ द लास्ट वेरिएबल और वेरिएबल्स। जो भी सिलेक्शन इनपुट के अलावा वाले वेरिएबल्स होंगे उनको हम अपनी आउटपुट के साथ मैच करके, कैलकुलेट करके इवैल्यूएट करेंगे अपनी आउटपुट उनके अकॉर्डिंगली। जो वेरिएबल्स बच जाएंगे, जो सिलेक्शन इनपुट्स में काउंट नहीं होंगे वेरिएबल्स, वो एक्चुअली हमारी इनपुट कहलाएंगे। और वो इनपुट कैसे कहलाएंगे, वो इनपुट कहलाएंगी हमारी मार्क्स की डेटा इनपुट लाइंस कहलाएंगे, और वो डेटा इनपुट लाइंस डिसाइड करेंगे कि हमारी आउटपुट ऑफ मार्क्स कैसे इवैल्यूएट होगी। फंक्शन कैन हैव द वैल्यू 0, 1, वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड, अनकॉम्प्लीमेंटेड, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं इनपुट की। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू ये सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेहतर तरीके से। इंप्लीमेंटिंग अ बूलियन फंक्शन, सपोज यू आर गिवन अ ट्रुथ टेबल। आपको ये ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जी आर द इनपुट्स, ये आपके तीन वेरिएबल्स हैं, एफ इज द आउटपुट। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, टोटल वेरिएबल्स इज इक्वल टू एन। हमारे पास फॉर्मूला ये मौजूद है सिलेक्शन इनपुट्स का, एन माइनस वन। हम सिलेक्शन इनपुट्स ऐसे ही डिसाइड करते हैं जैसा कि अभी हमने बात की। टोटल वेरिएबल्स इस एग्जांपल में, ये जो ट्रुथ टेबल हमें शोन है, देखिएगा एफ तो हमारा आउटपुट है। जो हमारा आउटपुट वेरिएबल होता है वो हमारे वेरिएबल्स के नंबरिंग में टोटल में काउंट नहीं होता आउटपुट के अलावा, क्योंकि आउटपुट तो वैसे ही डिस्प्ले करने के लिए हम कोई भी नाम दे सकते हैं ना, उसको एफ दे दें, डब्ल्यू दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ यहाँ आउटपुट भी लिख सकते हैं। सो ये तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट की वजह से एफ लिखते हैं कि ये फंक्शन की आउटपुट है। हमारे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, इनपुट जो हमारा ट्रुथ टेबल की इनपुट साइड पे होते हैं वो होते हैं, दैट इज एक्स वाई जी, थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। एफ इज आवर आउटपुट। हम आउटपुट को एक्सक्लूड करके हमेशा वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल्स काउंट करते हैं किसी भी फंक्शन के, किसी भी बूलियन फंक्शन के। टोटल वेरिएबल्स हैं हमारे पास जी थ्री। सिलेक्शन इनपुट्स किस तरह हो जाएंगी, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एन माइनस वन, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू दो सिलेक्शन इनपुट्स हो गई। मार्क्स कौन सा यूज होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम कह रहे हैं हमने बूलियन फंक्शन मार्क्स की हेल्प से बनाना है, तो अब सवाल ये आता है कि मार्क्स कौन से साइज का यूज होगा, 2x1, 4x1, 8x1, 64x1, कौन से वाला मार्क्स। हम इतने सारी टाइप्स पढ़ चुके हैं मार्क्स की, सो वी विल डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये देखिएगा 2^n-1 क्रॉस वन मार्क्स, इसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे। टू रिस पावर टोटल वेरिएबल 3-1 गिव्स अस 2^2, विच मीन्स 4x1 मार्क्स। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज प्लेस कर दी तो हमें मालूम चल गया 2^2 4x1 मार्क्स हम यूज कर सकते हैं। हेंस वी विल यूज आवर 4x1 मार्क्स। इन दिस वे हम अपना कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको तब रिक्वायर्ड होगी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि
कौन सा मार्क्स यूज करना है. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो मीन्स यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज अ पर्टिकुलर मार्क्स, देन आप अपनी मर्जी से मार्क्स यूज नहीं कर सकते, आपको वही मार्क्स यूज करना पड़ेगा. देन आपको सिर्फ ये कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होगी. ये देखिएगा 4x1 मार्क्स एज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला. हमें मालूम चल गया कि हम 4x1 मार्क्स यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन था कि कौन सा मार्क्स यूज करना है. सो ये पता लगाना कि हमने कौन सा मार्क्स हमारे लिए प्रेफरेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमने ये फॉर्मूला यूज किया. अब 4x1 मार्क्स में दो सिलेक्शन इनपुट्स हैं एज यूज वी यूज दिस फॉर्मूला. तो अब सिलेक्शन इनपुट्स, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियसली पॉइंट्स में बताया, हम सिलेक्शन इनपुट्स में हमेशा प्रेफर करते हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स या वेरिएबल्स हों, हम उनको सिलेक्शन इनपुट्स असाइन करते हैं. तो मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे एक्स है और वाई है, उनको सिलेक्शन इनपुट्स पे लिख दिया है और वाई मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट की पोजीशन पे है इन केस ऑफ माय सिलेक्शन इनपुट्स. अगर मेरा एक्स एंड वाई सिलेक्शन इनपुट बन गया है तो उसका मतलब है मेरे पास कौन सा वेरिएबल बच गया है, मेरे पास जी वेरिएबल बच गया है. और ये बात भी मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में आपको बताई कि जो वेरिएबल सिलेक्शन इनपुट के अलावा बच जाता है वो हम डेटा इनपुट के तौर पे काम करते हैं. इसका मतलब है जी वेरिएबल जो बच गया है वो डेटा इनपुट पे यहाँ जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली, जी के अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट इवैल्यूएट होगा. नाउ इसके टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड कर लिया हमारा 4x1 का मार्क्स है और सिलेक्शन इनपुट्स भी हमारी डिसाइड होंगी एन माइनस वन करके. सिलेक्शन इनपुट्स हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट ही लेते हैं इसलिए एक्स एंड वाई ले ली. अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये बात हमें मालूम है जो कि हमने अभी पहले एक्सप्लेन की कि जो वेरिएबल सिलेक्शन इनपुट्स के अलावा बच जाता है वो डेटा इनपुट्स की तरफ कहलाएगा. वो बेशक एक वेरिएबल बच जाए, अगर इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल बच जाते सिलेक्शन इनपुट्स के अलावा तो वो सारे डेटा इनपुट्स में काउंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट इवेलुएट होती. अब हम इवेलुएशन करने लगे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड आवर टेबल इंटू पार्ट्स. हमने पार्ट्स में अपने टेबल को डिवाइड करना है. अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, द क्वेश्चन इज दैट डिपेंड्स ऑन आवर सिलेक्शन इनपुट्स. आपकी सिलेक्शन इनपुट्स कितनी है, दो, एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई इसका मतलब है कि आपके पास सिलेक्शन इनपुट्स दो हैं. दो का मतलब है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सिलेक्शन इनपुट्स के, 0 0 0 1 1 0 1 1, फोर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. ये देखिएगा सबसे पहले पार्ट में ये है 0 0, एक पार्ट हो गया, 0 1 दूसरा पार्ट हो गया, 1 0 तीसरा, 1 1 चौथा कॉम्बो. एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली, क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई मेरी सिलेक्शन इनपुट्स हैं और सिलेक्शन इनपुट सिर्फ दो हैं तो देयर कुड बी ओनली फोर पॉसिबिलिटीज, 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, जब हमारी सिलेक्शन इनपुट का बिहेवियर देखते हैं, अगर हमारी सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, अगर हमारी सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो ये देखिएगा इस टेबल में हमारी सिलेक्शन इनपुट एक्स एंड वाई है, सिलेक्शन इनपुट्स हैं, हम ये लेबल कर चुके हैं, हम डिसाइड कर चुके हैं और हम ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि जी हमारी डेटा इनपुट कहलाएगा जिसके अकॉर्डिंगली एफ इवैल्यूएट होगा. एक्स वाई 0 0 0 0, टेबल का ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारा एक्स वाई 0 0 है और हमें ये भी मालूम है कि हमने ये पार्ट डिवाइड कर लिया हुआ है 0 0, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन इनपुट सा 0 0, अगला तो 0 1 है, ये हमारा नेक्स्ट कॉम्बो स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन इनपुट का. एक्स एंड वाई 0 0 एंड 0 0, ये दो रोज हाईलाइट हो गई. अब जी इज और जी विल बी द डेटा इनपुट लाइन ऑफ दिस मार्क्स. अब हम चूंकि 0 0 पे हैं तो आई 0 पे ही रह सकते हैं हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन इनपुट एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ 4x1 मार्क्स, अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो आई 0 एक्टिवेट होती है लाइन डेटा इनपुट की और आई 0 पे हम क्या दे सकते हैं, हम जी दे सकते हैं. अब हम जी कैसे देंगे कि हमारा आउटपुट पे एफ जो है वो यही रिसीव हो. आप गौर करें अगर तो जी एंड एफ के दरमियान हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो एग्जैक्टली सेम मिल रहा है. जब जी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट की वैल्यू भी 0 है, जब जी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट की वैल्यू भी 1 है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आवर आउटपुट फंक्शन इज इक्वल टू जी, एग्जैक्ट जी है, बेशक कह सकते हैं. हमने यही जी इनपुट उठा के यहाँ दे दी है. इसका मतलब है अगर हम अपना ये पहली टेस्ट एंड रन करते हैं कोड 0 0 0,
सिलेक्शन इनपुट हमारी 0 0 है, ये बात हमें मालूम है 0 0, आई 0 सिलेक्ट हो गया, आई 0 पे हमने बोल दिया, हमने कनेक्ट कर दिया z, अगर z की इनपुट 0 है तो ये 0 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि 0 0 का मतलब है, 0 0 का मतलब है आई 0 की इंफॉर्मेशन आगे जानी है, आई 0 पे z लगा हुआ है, सपोज z की वैल्यू 0 है तो 0 फॉरवर्ड हो जाएगा f पे, ये देखिएगा 0 फॉरवर्ड हो जाएगा f पे। अब अगला कॉम्बो चलाते हैं, एक्स एंड वाई 0 0, एक्स एंड वाई 0 0, कौन सी इनपुट डेटा लाइन एक्टिवेट होगी, आई 0 एक्टिवेट होगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फंक्शनलिटी ऑफ 4x1 मार्क्स, आई 0 पे क्या लगा हुआ है जी। अब जी की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो 1 भी हो सकता है, अगर वो 1 है तो अगर हम बिट वैल्यू यहाँ जी की 1 लिख दें तो यही आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, तो एफ क्या आ जाएगा 1, तो एफ हमारा 1 आ जाएगा। इन दिस वे वी विल डिसाइड कि जो सिलेक्शन इनपुट के अलावा वेरिएबल बच जाता है वो डेटा इनपुट्स में रेलेवेंट टू आवर आउटपुट हमें फंक्शंस देगा। नेक्स्ट, नाउ हम इवेलुएट करते हैं जी बिहेवियर ऑफ एफ विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन इनपुट 0 1। अब हमारे पास एक्स वाई है 0 1, ये देखिएगा ये पार्ट ऑफ द टेबल है 0 1, जब हमारा एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई 0 1 है। अब हमारे पास यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जी एंड एफ के दरमियान रिलेशन चेक करें, क्योंकि जी वो बचा हुआ वेरिएबल है जो सिलेक्शन इनपुट में काउंट नहीं हुआ, इसलिए हम सिर्फ जी को देख रहे हैं विद रेलेवेंट टू आवर आउटपुट फंक्शन। जब जी 0 है तो एफ 1 है, जब जी 1 है देन एफ 0 है, इसका मतलब है कि हमारे आउटपुट फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट वर्जन है जी, ये देखिएगा कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन हमने आई 1 पे दे दिया। अब टेस्ट एंड रन अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, पहले वाला कोड रन करते हैं, ये वाला 0 1 0 0 1 सिलेक्शन इनपुट पे गया, इसका मतलब है क्या एक्टिवेट हो जाएगा, आई 1 एक्टिवेट हो गया, आई 1 एक्टिवेट हो गया, जी बार इज कनेक्टेड ओवर हियर, जी बार का मतलब है अगर मैं जी की इनपुट 0 दूंगी तो वो क्या होके बाहर जाएगा, जी बार होके जाएगा, 1 होके बाहर जाएगा, इधर मुझे रिसीव हो जाएगा 1। इसी तरीके से 0 1 1, पहले सिलेक्शन इनपुट देख लें 0 1, सिलेक्शन इनपुट 0 1 है, इसका मतलब है कौन सी इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट लाइन एक्टिव होगी, आई 1 एक्टिव हो गया डिपेंडिंग ऑन दीज सिलेक्शन इनपुट्स, आई 1 पे हमने लगाया हुआ जी जी बार विद रेलिवेंट टू दिस टेबल के थ्रू। अब अगर जी की वैल्यू 1 आएगी तो मैंने इनपुट दिया जी 1, तो जी बार होके आगे जाएगा, मतलब 0 होके मुझे एफ पे रिसीव होगा, तो एफ पे 0 होके मुझे रिसीव होगा। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं, व्हेन आवर 1 0 आवर आवर सिलेक्शन इनपुट 1 0 के लिए, जी हमारे आउटपुट फंक्शन के साथ कैसे रिलेट करता है, जब जी 0 है तो आउटपुट फंक्शन भी 0 है, जब जी 1 है तो आउटपुट फंक्शन स्टिल 0 है, सो वी कैन से कि हम आउटपुट फंक्शन को 0 कर दें, मींस इधर ग्राउंड लगा दें, ग्राउंड लगा दें या 0 कांस्टेंट वैल्यू लगा दें, कोई दोनों एक ही बात है, क्योंकि ग्राउंड मींस अ परमानेंट 0 एंड अ कांस्टेंट 0 इवन मींस अ परमानेंट 0। अब हमारे पास क्या होगा, जब सिलेक्शन इनपुट 1 0 है, सिलेक्शन इनपुट 1 0 है तो आई 2 ने सिलेक्ट होना है, मतलब आई 2 पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एफ पे फॉरवर्ड होनी है, आई 2 कनेक्टेड है परमानेंट 0 पे, हम जी की जो भी वैल्यू दे दें, 0 दे दें तब भी 0 आगे जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट 0 पे है, हम z की वैल्यू 1 दे दें तब भी आगे कांस्टेंट 0 ही जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंटली 0 पे अटैच है। इसी तरीके से लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, हम बिहेवियर चेक करते हैं सिलेक्शन इनपुट्स 1 1 के लिए, जब सिलेक्शन इनपुट्स 1 1 है तो z कैसे रिलेट कर रहा है आउटपुट फंक्शन के साथ, जब z 0 है तो आउटपुट फंक्शन 1 है, जब z 1 है तो आउटपुट फंक्शन 1 है, इसका मतलब हमारा आउटपुट फंक्शन कॉन्स्टेंटली 1 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ आई 3 पे परमानेंट कॉन्स्टेंट 1 अटैच कर दें या VCC सप्लाई अटैच कर दें, VCC सप्लाई भी कुछ लोग अटैच करते हैं जिसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं, इसका मतलब है जब सिलेक्शन इनपुट 1 1 है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन लाइन ने एक्टिव होना है, आई 3 ने एक्टिव होना है, और आई 3 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है परमानेंट 1, इसका मतलब है 1 1 1 1 जी अगर 0 दे भी दें यहाँ तब भी यहाँ परमानेंट 1 कनेक्टेड है तो एफ पे 1 ही आएगा, और अगर जी 1 दे भी दे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई यूजर जी को चेंज भी करता है तो ये परमानेंटली 1 पे अटैच है आई 3, और आई 3 ही एक्टिव है क्योंकि सिलेक्शन इनपुट्स 1 1 है, तो 1 हमारा एफ पे फॉरवर्ड हो रहा है। टेस्ट एंड रन कर लेते हैं एक कोड, हम हमारी अल्टीमेट डायग्राम है, टेबल पे शेडेड रीजन के हिसाब से मैंने उसकी पर्टिकुलर आउटपुट्स भी रिप्रेजेंट करवा दी हैं, एक कोड टेस्ट एंड रन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट है जी 1 0 1
101, ये देखिएगा 10 सिलेक्शन इनपुट है, इसका मतलब है कौन सी बिट इंफॉर्मेशन लाइन एक्टिव हुई, आई टू, और आई टू पे क्या कनेक्टेड है, जीरो, तो हमें फंक्शन क्या मिल गया, आई टू इक्वल्स टू जीरो, ये देखिएगा 00। अगला एक और कोड रन